हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी के स्टाइल। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं अपनी स्किन रिटचिंग के बारे में कि आप अपनी स्किन को स्मूथ कैसे करें। बेसिकली क्या होता है, हम अपनी स्किन को स्मूथ करते हैं एंड उसमें टेक्सचर वगैरह रिमूव हो जाता है एंड वह हमें बहुत ही फेक सी लगती है। लेकिन मैं आप लोगों को आज ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन फेक नहीं लगेगी एंड वह बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखना है एंड वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक कोई भी एक फ़ोटो मैंने ले ली है एंड मैं इसे अपने मोबाइल लाइट रूम में ओपन कर लेता हूँ एंड मैंने इसको जूम कर लेना है एंड जूम करने के बाद आप लोगों को अपनी ऑप्शन में चलना है हीलिंग वाले एंड हीलिंग में जाकर आप लोगों को इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड जहाँ भी आपकी स्किन में छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह हैं वहाँ पर इसको आप लोगों को धीरे से ड्रॉ करना है। तो मैं अपनी स्किन पर इसको धीरे से ड्रॉ कर लेता हूँ एंड वहाँ से ये पिंपल रिमूव कर देगा। तो मैंने फाइनली अपने पिंपल्स वगैरह रिमूव कर लिए हैं एंड मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने बेसिक लाइट को मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने लाइट्स के ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से हम इसका जो एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हम कम करेंगे और इसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम करेंगे एंड शैडो को थोड़ी बढ़ाएंगे और इसका जो वाइट है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और ब्लैक को थोड़ा सा कम करेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो इसके लिए क्या करना है, हम अपने कलर्स में जाएंगे एंड कलर्स में जाकर हम अपनी वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका जो सैचुरेशन है इसको कम कर देंगे और इसका टेम्प है टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड टिंट को थोड़ा सा कम करेंगे। और चलते हैं कलर्स में, तो यहाँ पर हम ऑरेंज में चलते हैं एंड इसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे और चलेंगे रेड में, रेड की जो ल्यूमिनेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छी इसमें रिटचिंग कर ली है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में केवल स्किन स्मूथ के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं बाकी कलर्स को नहीं छेड़ूंगा एंड यहाँ से चलते हैं हम अपने, यहाँ से करते हैं इसको डन और हम चलते हैं अपने ऑटोडेक्स ऐप में। तो यहाँ से हमने इसको शेयर किया एंड ओपन किया अपने ऑटोडेक्स में। तो यहाँ से हमने इसको ऑटोडेक्स में तो मैं अपनी ऑटोडेक्स एप्लीकेशन में आ गया हूँ एंड यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको अपनी स्किन को स्मूथ करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी फ़ोटो को जूम कर लेना है एंड इसमें आप अपनी फ़ोटो को कितना भी जूम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी फ़ोटो को जूम कर लिया एंड यहाँ से चलते हैं हम ब्रश के आइकन पर एंड यहाँ से हमको चूज़ करना है ये वाला ब्रश, स्मूथ वाला ब्रश चूज़ करना है एंड जाना है सेटिंग में। सो इसका फ्लो हम एक कर देंगे और स्ट्रेंथ भी इसकी हम एक कर देंगे, मतलब पूरी कम कर देंगे दोनों एंड साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो साइज़ हमने इतना रख लिया एंड यहाँ से आपको जूम करके इसको धीरे से अपनी स्किन पर ड्रॉ करना है एंड आपको ये ब्रश एक फ्लो में ड्रॉ करना है। इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं एंड आपको धीरे धीरे इसको अपनी स्किन पर करना है। तो ऐसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे से तो आपकी स्किन स्मूथ होने लगेगी। तो हम इसको अपने पूरे स्किन पर कर लेंगे। हमने अपनी स्किन को स्मूथ कर लिया है एंड अब हम लोगों को चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जहां से हम इसका फाइनल रिटचिंग करेंगे।
उसके लिए आप लोगों को बेसिक इस फोटो को यहाँ से सेव करना है गैलरी में, एंड यहाँ से ये सेव हो जाएगी और इसको ओपन करना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। अपनी इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर ली है एंड यहाँ से आपको इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके आप लोगों को आर्टिस्ट पर क्लिक करके इसको स्क्रॉल करना है एंड एम्बॉस पर क्लिक करना है। एम्बॉस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह की फ़ोटो दिखेगी। आपको इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को इस तरह की फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। यहाँ से डन करके इसको अपनी गैलरी में हम सेव कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, अपनी इसी फ़ोटो को मोबाइल पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेनी है एंड यहां से आप लोगों को इस फोटो को ओपन करने के बाद ड्रॉ टूल में जाना है एंड यहां से आप लोगों को जो आपने फ़ोटो सेव की थी उस फोटो को यहां पर फोटो लेयर लेकर इसको ऐड कर लेना है। तो मैंने इस फोटो को ऐड कर लिया एंड ऐड करने के बाद आप लोगों को इस फोटो का ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड यहाँ पर आपको इसका ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा वो आप लोगों को इस मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा नहीं, आप लोग जब 10 से इसकी एचडी करेंगे तब दिखेगा एंड आप लोग काफ़ी अच्छा इसमें टेक्सचर आ चुका है एंड यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं हम इसको डन एंड यहाँ से हम इसका और भी इसको रिटचिंग वगैरह कर सकते हैं फेस को। तो इसमें डॉजन वगैरह डालने के लिए क्या करना है, आपको बेसिकली टूल्स में जाना है एंड यहाँ से कर्व पर जाना है और यहाँ से इसकी लाइट्स को बढ़ा देंगे। और क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से ब्रश के आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ इन्वर्ट कर देंगे और करना है ब्रश पर इसकी साइज़ को कम कर देंगे एंड हार्डनेस पूरी कम कर देंगे और अपॉर्चुनिटी को भी थोड़ा कम कर देंगे एंड साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसको यहाँ से जूम करने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे इसको यहाँ से पेंट करना है ऐसे, जिससे आपके फ़ोटो में एक अच्छा डॉजन आ सकता है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं एंड इसमें डॉजन डाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।